जय महाकाल। सिद्ध शिव तंत्र में आपका बेहद स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पितृ देवता नाराज है, आपके यहाँ पितृ दोष है, कुल देवी देवता आपके रूठे हुए हैं या किसी ने बांध दिए हैं, उनकी कृपा आपके परिवार पर नहीं हो पा रही। इसके लिए कुल देवी देवता, पुत्र देवता 64 योगनों को सिद्ध करने के लिए 147 शक्तिशाली बेहद पावरफुल मंत्र। यह मूल मंत्र मूल रूप से मार्कंडेय जी द्वारा है। यह अर्गला स्त्रोत में आपको दुर्गा सप्तशती में मिलेगा। अर्गला का अर्थ होता है बाधा को दूर करना, विघ्न बाधाओं को दूर करना। तो आपको बता दें कि ये जो शक्तिशाली मंत्र है, जैसे कि आपका बिजनेस है, बिजनेस में परेशानी है, दिक्कत है, तो आप इस मंत्र को पढ़िएगा। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली काली जयंती का जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सभा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुति। तो जब आप किसी शुभ कार्य को जाते हैं, यदि आपके कोरिय कार्य किसी भी कार्य में विघ्न बाधा है, आप पेपर के लिए जा रहे हैं, एग्जाम के लिए जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इस मंत्र को आप अवश्य पढ़ें। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सभा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुति। तो ऐसा आप 3 बार 11 बार 21 बार यदि आप पढ़ के घर से निकलते तो सब कामों में आपको सफलता मिलेगी। अब जैसे आप कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, घर में आप सुख शांति चाहते हैं, व्यवहार चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, तो आप घर पे अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक रखते हैं माता को, तो इस मंत्र को दोहराइए। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सभा धात्री स्वाहा स्वाधा। मार्कंडेय ऋषि द्वारा बोला गया ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं सिद्ध है। तो दोस्तों, जैसे आपके बच्चे को नजर लगी है तो इस मंत्र को पढ़ के फूंक मार दें। आप दुकान का ताला खोलते हैं दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए, दुकान की आपकी चलती रहे, दुकान में कोई ने किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम कर दिया, कुछ कर दिया, तो पीली सरसों लें। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री श्वास से पीली सरसों पर ऐसी फूक मार दें आप 7 बजे पढ़कर और दुकान में फेंक दें। दुकान में बरकत होगी। दुकान में किसी ने बंधन किया कराया कर दिया होगा, कट जाएगा। एक मंत्र से हजारों प्रकार के आप कार्य कर सकते हैं। आपको अपने आप में डर भय सता रहा है, चिंता लग रही है, डर लग रहा है, किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ खिला दिया, इस मंत्र का जाप करिए, आपको हर प्रकार के विघ्न बाधा से छुटकारा मिलेगा। आपको आपके पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध है, वो खराब हो रहे हैं, किसी ने उच्चाटन किया है, ऐसा आपको लगता है, महसूस होता है, आप में एक दूसरे के अंदर प्रेम नहीं है, तो इस मंत्र को पढ़िए। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सभा धात्री श्वास नोते। मन ही मन में इसका चिंतन करिए, बार बार पढ़िए। इसको एक सांस में याद कर ले, एक सांस में बोलना है आपको। इसमें जो स्वर निकलते हैं वो इतने ताकतवर हैं कि आपकी घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके अंदर जो नेगेटिव क्रियाएं हैं, उसको ये नष्ट कर देगा। बहुत पावरफुल मंत्र है। जैसे आपको किसी ने कुछ किया है, किसी ने बता दिया कि भाई आपके ऊपर चौकी पहुंचाई है, आपके पितर बांध दिए हैं, आपके कुल देवी देवता बांध दिए हैं, प्रतिदिन इस मंत्र की आप एक माला करें, फिर देखें आप चमत्कार। इसका चमत्कार देखने के लिए पहले तो आप एक सांस में इसको याद कर लें। जैसे ही आप इसको एक सांस में बोलना आरंभ कर देंगे, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सभा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते, बस ऐसा बोलना दिया, आप सीख गए तो कोई भी काम आपका नहीं रुकेगा। कोई भी प्रकार के विघ्न बाधा आपके जीवन में, किसी भी प्रकार का क्लेश है, विघ्न बाधा है, समाप्त हो जाएंगे। भाई आज के समय में लोग लाखों वीडियो देख रहे हैं, करोड़ों वीडियो देख रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे। स्वयं पर विश्वास करो, आदि शक्ति के ऊपर विश्वास करो। जो मैं ये मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र पर संपूर्ण विश्वास करो। विश्वास से ही आपके कार्य फलीभूत होंगे, आपको सफलता दिलाएंगे।
बच्चा पढ़ने में कमजोर है उसके कान में आप बोलिएगा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समाज धात्री श्वासन। अद्भुत शक्ति, ब्रेन अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। आप शमशान में जाते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको लग रही है, कोई कार्य आप कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हैं, तो सबसे पहले ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समाज समाज धात्री श्वासन स्तुति इसको करिएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। किसी शत्रु बाधा से आप परेशान है, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आप जो है थोड़ी सी उड़द ले ले, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते फूंक मार दें और चारों दिशाओं में उस उड़द को फेंक दे तो आप शत्रु से सुरक्षित हो जाएंगे। आपको बुरे सपने आते हैं, सपनों में आप चौंक जाते हैं, आप घबरा के उठ बैठते हैं, सपने में आपको भूत प्रेत पिशाच बाधा दिखती है, आपको डर लगता है, अजीब टाइप का महसूस होता है, हाथ में कपकपी होती है, तो आप इस मंत्र को पढ़ के बिस्तर पे लेट जाएं तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। आप बीमारियों से परेशान, आज देखिएगा आप इस कलियुग कली काल में नाना प्रकार के रोगों से लोग ग्रस्त हैं, डायबिटीज है, शुगर है, जैसे बीपी है, और भी अन्य कई प्रकार की बीमारी जैसे हार्ट की बीमारी है, हार्ट के ब्लॉकेज है, तो आप इस मंत्र को पढ़ के आपके आपने हार्ट पर हाथ लगाइए, आप अपने जो है ना जठराग्नि पर आप ऐसा हाथ रखिए, इस मंत्र को पढ़िए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वा धाते स्वाहा स्वाधा नमस्ते। कल्पना में माता का चित्र ले आइए आदिशक्ति माँ महाकाली का, और वो उसको ध्यान लगाइए कि हे माँ हमारे इस बीमारी को हमारे स्वरूप को ठीक कर दे। बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है, बहुत सरल है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई बंधु मित्र दोस्त यार साधक सभी लोग इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार की डरने की बात नहीं है, क्योंकि यह स्वयं डर को खत्म करने वाला है। आप किसी भी प्रकार की इसमें भूल चूक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो दुर्गा इसमें लिखा है क्षमा शिवा धाते श्वास होती, वो आपको क्षमा करने वाली है माता। इस मंत्र का जो है हम पूर्ण रूप से आपको अर्थ बता देते हैं। जयंती मंगला काली मंत्र का अर्थ है जयंती वो सर्वश्रेष्ठ एक विजय देवी है, मंगला वो मोक्षदानी सर्व मंगलमय देवी है, इसलिए उनका नाम मंगला है। दोस्तों काली तो वो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है। भद्रकाली सैद्धांतिक अर्थ है अच्छी काली, वो अपने भक्तों के लिए भद्र सुख मंगल ऐश्वर्य सुख प्रदान करती हैं। कपालनी का अर्थ है वो अपने हाथ में कपाल और गले में मुंड माला धारण करती हैं। दुर्गा जो अष्टांग योग कर्म एवं पूजा रूप दुख असाध्य रूप इनको समाप्त करने वाली हैं, वो दुर्गा है। क्षमा जो भक्त और अन्य लोगों सभी को क्षमा प्रदान करती हैं, उनके अपराध को क्षमा कर देती हैं। शिवा सबका कल्याण करने वाली आदि शक्ति मां शिवा है। धात्री संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली दुर्गा मां देवी आदि शक्ति का नाम धात्री है। दोस्तों इसमें जैसे स्वाहा है तो स्वाहा रूप में मां यज्ञ भाग ग्रहण करने वाली, स्वाहा जो है जैसे अपन जो है ना ओम काली काली महाकाली काली की परमेश्वर सर्व आनंद करने देवी नारायण नमस्ते स्वाहा, ओम अंबिके स्वाहा, ओम दुर्गा दिव्य स्वाहा, ऐसा स्वाहा बोलते हैं। तो स्वाहा जो है आदिशक्ति मैया स्वाहा रूप में यज्ञ भाग को ग्रहण करती है, देवताओं का पोषण करने वाली देवी का नाम स्वाहा है। सभी ऊर्जा और जो रसायन है उनके लिए स्वाहा है। वास्तव में अग्नि की प्रज्वल शक्ति का रूप है जो हमारी प्रकृति का एक भाग है। अब उसमें स्वाधा आया है मंत्र में, स्वाधा भी प्रकृति का एक रूप है जो स्वयं महादेवी के अलावा और कुछ भी नहीं है। स्वाधा रूप में पितरों को दिया जाने वाला अन्न भोजन को ग्रहण करने एवं पितरों का पोषण करने वाली देवी है, इसलिए उनको स्वाधा बोला गया है। आपके यहाँ कोई पितृ बाधा है, पितृ की परेशानी चल रही है, इस मंत्र का जप करिए फिर देखिए आप चमत्कार। नमस्तुते तो आप ही लोग जानते हैं, नमस्तुते हे माँ मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इसलिए ये मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाते श्वास। अनेक प्रकार के विघ्नों को हरने वाला
संपूर्ण जीवन में उपयोगी, सब प्रकार के रक्षा हेतु, सब प्रकार की विघ्नवाता को नाश करने वाला, शत्रुओं से रक्षा करने वाला, मां आदि शक्ति की कृपा बरसाने वाला, ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही सरल मंत्र है। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य इसका जाप कर सकता है, उन्नति कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। जय महाकाल।